हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? ठीक है, तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 7:5 है। ठीक है, और द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ बॉयज है गर्ल्स से 8 मोर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे ये बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें कैसे पता चलता है कि 10 8 से कितना ज़्यादा है, ये पता करने के लिए हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि 10 8 से 2 ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ जो रेशियो दिया गया है 7:5, यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है, इसने बोला है जो बॉयज का नंबर्स है गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल टू 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब 7-5 इक्वल टू 8 तो होता नहीं है, इसलिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे 7x-5x। अब यहाँ जो x की वैल्यू आएगी ये बताएगा कि 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रखा जाए कि 8 के बराबर हो जाए। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा, 2x इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां देखेंगे x इक्वल टू, यहां जो 2 है मल्टीप्लाई है x के साथ। अब ये ट्रांस, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साइड ले जाएंगे, तो ये जाएगा राइट साइड में 8 के पास। ठीक है, तो ट्रांसपोज हो गया, जब राइट साइड में 8 के पास हो जाएगा, यहां यहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 होता है, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, x की वैल्यू आई है 4। ठीक है, यहाँ जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, यहाँ जो एक बॉयज का है, ठीक है, बॉयज हैं इधर हैं गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज वाला क्या है, 7x है। ठीक है, तो 7x है, और गर्ल्स वाला क्या है, 5x है। तो अब सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, तो x की जगह हम 4 रखते हैं, 7 into 4। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 7 into 4 इक्वल टू 28। ठीक है, और गर्ल्स की 5x है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 into x की जगह 4 है, तो आ गया 20। तो बॉयज का नंबर और गर्ल्स का नंबर 20 और 28 और 20 है। ठीक है, तो इसने बोला है टोटल क्लास स्ट्रेंथ, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड कर देते हैं, 28 और 20। ठीक है, 20+28। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है, 20+28=48। ठीक है, तो ये होगा आंसर, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होगा, 48। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाय।